शिव देवी भागवत और तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पर जो आपको पहले दिखाया था उसी में फिर थोड़ा सा ये देखते हैं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। दुर्गा को कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारे ही कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब आएगा काम ये प्रकृति शब्द गीता जी में आपका और दिखाते हैं थोड़ा सा प्रकृति। अपने आत्मा आपके समक्ष इतने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करके दिखा करके तब ये मन स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो के ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी वाली में, ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 98 पे है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का छठा अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की, यहाँ आ जाते हैं जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है, ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम, 100 पृष्ठ पे। भगवान सदाशिव हैं, ये काल है सदाशिव, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को, गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है, प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार वितरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहाँ एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर, ये रुद्र संहिता। शिव बोले वत्स, व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म, दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ छठा अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का, और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत् प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, जिस प्रकार
विष्णु की अवश्य मैं क्या मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद है, वो वैद का भी कार्य करता है और अच्छा एजड आदमी समझदार बुद्धिमान दिखे था, 3 साल से नाम ले रखा और इतना कुछ प्रमाण दास देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन, 2 वर्ष नाम ले रखा था उसके बाद, कहता है कि आप गलत कहते हो, एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला भाई नहीं मानता तो यहाँ मत आया कर, जब तुम मेरे पर विश्वास नहीं इस दास पे, फिर तेरा आने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को। अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा मेरी गलती बन गई थी मुझसे और मैंने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं था, हमें हमारा तो पुराना रंग चढ़ा हुआ था और वही आगे आड़े अड़ा रहा। पुण्यात्मा इतना प्रमाण देता है दास और फिर अज्ञान नहीं हटता, हद की बात है। कितना ठोक ठोक कर रहा क्या हमारे अंदर, ये अज्ञान ठोक रहा है, हजारों वर्षों से ठोक रखा। अब हम पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञानदाता कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूँ। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है और इसी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये सभी जीवों को कर्माधार से यहाँ बंधन में बांधे रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है, नहीं। क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 में परमपंथ बनाया वाणी हमारी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहें इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं, और इन 500 को 500 ने मिलकर ये परपंच बना रखा है वाणी हमारी लहिए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है। अब हम आते हैं अपने उसी कंसेप्ट के उसी पॉइंट पर कि ये क्या कह रहा है कि अब ऐसा ज्ञान सुना दूंगा अर्जुन, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ये भगत मेरी भक्ति अवश्य करते हैं, हजारों में से कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही मुझे पहचान पा रहा है। मैं कौन हूँ, मुझे पहचान नहीं रहे ये। अब फिर देखिएगा श्री मद भगवत गीता, ये देखिएगा, अब इसके हम फिर आते हुए 7वें स्कंद में और इसमें स्पष्ट लिखा है गीता जी 10 नंबर 7 के श्लोक नंबर 4-5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के पुण्यात्मा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता इस समय जो आदरदा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा, 14वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता और यहाँ देखिएगा 3रा श्लोक, हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है और मैं सबका पिता हूँ। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ, गर्भम दधामी, उसके संयोग से, इन्होंने कुछ अपना बना रखा, सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन नाना प्रकार की शरीरों में योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वें में क्या कहा है, हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न प्रकृति संभवा,
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कह गए तो ये रोक रहे हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार। और परमात्मा कहते नहीं, ये पांचों मिलकर परपंच बना रखा है, हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन पांचवा ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है। वाणी अमरी लहिए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। अब हम फिर आते हैं अपने सातवें अध्याय के ऊपर। अब ये क्या कहता है देखिएगा, अब अध्याय नंबर सात को हम पढ़ रहे हैं। अब हम पुनः अध्याय नंबर सात पर आ जाते हैं, अध्याय नंबर सात का। अब हम आपको पढ़ाते हैं ये दसवां। हे अर्जुन, सातवें का दसवां श्लोक। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अरिया देखना ग्यारहवें में, हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल और सामर्थ्य हूँ। पुण्यात्मा थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये कैसे है, कहते बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, इन सारे पूरे प्राणियों का रिमोट मेरे पास है और बलवानों की शक्ति मेरे हाथ में है। जैसे जिसमें सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, नालायक ने, भगवान राम विलाप कर रहा था, रो रहा था, टक्कर मार रहा था, ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे थे। भगवान शिव ने अपने बड़े भाई विष्णु को प्रणाम किया। पार्वती कहने लगी, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये भगवान विष्णु है। कि कौन अकबर सामने, कि तो रो रहा है ये व्यक्ति, भगवान हो सकता जो रोता है, मैं इसकी परीक्षा लूँगी। भगवान शिव ने कहा कि परीक्षा मत लेना, लेकिन पीछे से छुपके सेवा चली गई सीता रूप बना के। तो वहाँ श्री रामचंद्र जी ने उस सीता रूप में खड़ी पार्वती को पहचान लिया कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई? तो शर्मंदी होगी कि सचमुच तुम तो भगवान हो, भगवान शिव ठीक ही तुम्हें प्रणाम कर रहे थे। अपने आत्मा श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का तो पता नहीं हुआ कहाँ कौन ठा ले गया, ढूंढते आंडे जैसे गाय खूजा कर किसी की, कोई डर गया, कोई डर गया, कोई डर गया। और वहाँ पहचान ली पार्वती, पहचान ली, बुद्धि ऑन कर दी काल ने। कहता बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन करूँ, जब चाहे ऑफ कर दूँ, फिर ऑफ कर दी, फिर उसाए। अब जैसे अर्जुन को युद्ध के समय बल दे दिया उस काल ने, एक का मारा था, 20 पड़े थे, और वही अर्जुन वही गांडीव धनुष उसके पास था। और जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी, सारे यादों का कुल नाश हो गया था, आपस में लड़का मर गए थे, और शेष बची थी जो उनकी पत्नियां उनको ले करके आ रहा था, रास्ते में बिलान पकड़ दिया, वो धनुष उठा नहीं उसने, चलाना तो दूर की बात है, और मारे जूत उसके घेर कर खोस ले गए, सारी करखरी औरतों को भी ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए। तब रो रहा है अर्जुन खड़ा खड़ा कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने धोखा ही धोखा किया हमारे साथ, जब मुझे अनर्थ करवाना था, विनाश करवाना था, जो मुझे ताकत दे दी, अब वही धनुष है, वही अर्जुन है, आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, मेरे से चल भी नहीं रहा, मैं कांप रहा हूँ। अब परमात्मा कहते तुमने उस बीमारी का ना वैराग्य, कहाँ से बिजली गिर रही है, तुम श्री कृष्ण जी को दे रहा हो लाने, श्री कृष्ण का रोल नहीं, ये तो उस काल के हाथ में रिमोट है। कहता बलवानों का बल मैं ही हूँ, जब चाहो दे दूँ, जब चाहो वापस खींच लिया, वही बूढ़े पेटे खड़ा खड़ा, इसने उद्मस्ता रखा है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा की इस रोशनी में हमें दिखाई देने लगे, हम के पढ़ा करते, क्या कह रहा था ये कर क्या रहा, कौन रहा है, और हम दोषी किसको मानते थे। अब देखिएगा सातवें अध्याय के बारहवें श्लोक पर, ये तीनों गुण आपने समझ लिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये सातवां अध्याय है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बारहवां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले, यानी विष्णु जी से जो सतीथि होती है वो भाव हैं, और जो रजगुण से उत्पत्ति
और तमगुण से संहार जो हो रहा है, ये भाव जो है उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि सब वो ही करवा रहा है, आप गुप्त बैठा है, परंतु उनमें मैं नहीं और वे मुझ में नहीं है। तेरे में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यानी तीनों गुणमय, तीनों प्रकार के भावों से, तीनों गुणों से, भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो 14 में कमाल कर दिया है, 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो ब्रह्म साधना करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली राहत से अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्रह्म लोक चले जाते हैं। अब 15वां में कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जो इन्हीं परासक्त हैं, इनसे आगे किसी भगवान को मानने को तैयार नहीं है, कहते उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं, मूर्ख हैं, मुझे नहीं भजते। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म कह रहा है कि ये मूर्ख मुझे भी, ये तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये असुर आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच यानी महापामर प्राणी, दूषित कर्म करने वाले मूढ़, ओह चार उपमा दिए कठिए, मुझे नहीं बजते। पुण्यात्माओं अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा? जैसे भगवान शिव यानी तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया और कैसे जुल्म किया अपनी माता को, यानी जैसे वो श्री शिव जी का पुजारी था, और विष्णु जी शिव का बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई की पत्नी को उठा लाया जिसकी पूजा करे, तो माता हुई अपनी माता को उठा लाया और पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा है, इससे भी नीच कोई कर्म होगा? शराब पीवे, दारू पीवे, मांस खावे हैं, और फिर कैसा कुत्ते वाली मौत मारा गया, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख आसुर स्वभाव को धारण किए राक्षस कहलाया आखिर में। फिर एक बसमागिरी नाम का ये गिरी पुरी नाथ कनपाड़े नागा, ये तमोगुण भगवान शिव के उपासक हैं। एक बसमागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी की पूजा करे, उसके द्वार के सामने कैलाश पर्वत पर बरने का आगे बैठ गया द्वार के सामने, और ऊपर ने पैर नीचे को सिर कर लिए, 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आप तो सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आप तो समर्थ हो, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको फारिग करो यहाँ से। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है तपस्वी। तो बसमागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगने वाला, आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा, 8 सिद्धि हैं इसके पास, और परमात्मा कहते हैं हमारे पास असंख्य सिद्धि हैं, 8 की तब बात ही कुछ को नहीं, तो फिर क्या बताते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मैंने वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता, तभी सीधा खड़ा हो गया। उसके मन में क्या दोष था कि मैं भगवान शिव से भस्म कड़ा मांगूंगा, उस भस्म कड़े में यह शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके नू कह दे भस्म, सिर के ऊपर ऐसे करके, तो जल जाता था, भस्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसको पता था। और उसके मन में क्या था कि भगवान शिव ने मारूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा,
इसी दृष्टिकोण से, इसी उद्देश्य से उसने खड़ा होकर कहा कि लाओ भगवान भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने वचन बद्धे निकाल कर उकड़ा भस्म कड़ा दे दिया अकेले भाई। अब जो ही उसके हाथ में भस्म कड़ा आया उस पुजारी के, और उसने बोला ले शिव जी, बोले होशियारी तुझे मारूंगा। अब उसने देखा तो राक्षस एकदम चेहरा बदल गया, इसका आंखें बदल गई, कहता इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था। हा हा हा, फिर दांदरे काट। अब भगवान शिव ने ठोक दी डांक वहां से, जब देखा उसका सचमुच चेहरा बदल गया इसका, तो अब हम ही अविनाशी कहा करते भगवान शिव ने, इस शंकर जी ने अविनाशी होता, डरन की क्या जरूरत थी, खड़ा हो जाता का जा करके करेगा वो। आगा आगा भगवान पाछा पुजारी जोटें की तरह भाग रहे हैं, किता किता पैर टेकें भगवान शिव के। अब वहाँ परमात्मा आए पार्वती रूप ना, ये तो कहते विष्णु आया, विष्णु का भी उतना था वहाँ उनके बीच में खड़ा उनका। परमेश्वर आए और फिर वहाँ पार्वती रूप बना के गंडत नाथ नचा के उस भस्मागिरी को मारा, फिर विष्णु रूप धारण करके वो परमात्मा वहाँ पहुँचे जो शिव जी भागे जा रहे थे, क्योंकि ये उसी के बच्चे हैं जिस पर आपत्ति आती है ये संभालते हैं आकर के। तो आगे जाकर खड़े हो गए विष्णु रूप में और कहा डट भाई डट, रुक जाओ। ने बोला बाजले विष्णु आ जा, पीछे राक्षस हमारे पीछे पड़ा हुआ, भस्म कड़ा मांग लिया मेरे से। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरा कड़ा रहा, रुक ले। भगवान विष्णु रूप में थे, विष्णु ही कहेंगे हम। अब भगवान शिव का समझ मावे नहीं कि भाई ये भस्म कड़ा कहाँ से आ गया, कि ये कैसे ला, नहीं जहाँ जहाँ जब जल्दी कर। वो शंकर जी कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया, कि मैंने उसको मार दिया, वह राख दिखा ली जब जच्ची क्यों हो यू पड़ा इतना शेर, तब उसका कड़दा डटा, दिल धड़कना बंद हुआ भगवान शिव का। अब देखो वो दुष्ट इंसान तमोगुण का पुजारी, शिव का पुजारी और शिव को भगवान और उसकी पत्नी पर बुगले वाला ध्यान, इसलिए इनको कहा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले रहे भगवान को, और उसने मारने खातिर बाज लिया। राक्षस से कम है ये, और क्या लक्षण होते हैं राक्षस के, और दूषित कर्म अपनी ही माता ऊपर, यानी जो मान ले गुरु रूप में भी थे तो गुरु की पत्नी माँ के तुल्य होती है, और उस पर नीत खराब कर रही हो। अब हिरण्यकश्यपु ने रजगुण ब्रह्मा की तपस्या की थी, साधना की थी, पूजा की थी, और उससे सिद्धि मांग ली, सुबह मरू ना श्याम मरू, रात मरू ना दिन मरू, ये वर मांग लिया। इससे तो हल्दी की गांठ से भगवान बन गया, और अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया, इसे जुल्म गुजार दिया उस पुण्यात्मा पे, और कुत्ते वाली मौत मारा गया अंत में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना भजते। अब रह गए ये सतगुण के पुजारी। एक बार कुंभ का मेला भरा था, काफी वर्ष पहले की बात है, उसमें क्या होता है कि जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला बना था, कुंभ की पर भी लगी थी, तो वहां ये पहुंच जाते हैं, जैसे गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये तमोगुण के उपासकों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। गिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा और ये सरस्वती, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये तो अलग अलग अपने ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और वैष्णो जो होते हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं। वैष्णो भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं, वो वैष्णो अलग से इकट्ठे हो गए, और ये नागा भी भगवान शिव के तमोगुण के उपासक हैं। तो स्नान करने के समय वो पर भी इनकी समय निहित होता है कि इस समय पर भी लाग गएगी, उस दौरान जो नहा लिया तो वो पार हो जाएगा, नौकर उनके पाप कट गए, मुक्त हो जाएंगे वह। परमात्मा कहते हैं जिस जोड़ में तुम नहाने से मोक्ष मानते हो दरिया में, वो मछली मेंढक और जीव जंतु पहले भी दुमान थे, तुम्हारी पर भी थे पहले उसमें थे, और पर भी उसमें नहाए और फिर भी उसके अंदर रहे, वो मुक्त ना हुए, फिर भी जैसे था। हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं पॉइंट पर, तो वहाँ ये सभी अपने अपने ग्रुप में, पूरी अलग, गिरी अलग, नागा अलग, सन्यासी अलग, और ये सरस्वती अलग, वैष्णो अलग से,
इनका अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ जाकर, फिर वो अपनी अपनी एक ग्रुप में चलते हैं। सबसे पहले नागा पहुँच गए, हरकी पैड़ी पाई पर भी लगनी थी उस दिन, नागा पहुँच गए, पूरी हरकी पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे, 50-60 हज़ार, और छा गए उड़े वहाँ के। पीछे से आगे वैष्णो सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक, उन्होंने आकर कहा कि नागाओ तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाद में स्नान करना, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब तो वो नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र रहते, कति नंगे रहते हो और शरीर पर राख लपेटते हैं, और हम तो सिर्फ नीचा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब विष्णु जी के उपासक वैष्णु कहने लगे कि ओ सिरड फिरडो, तुम न नहाते न धोते, टट्टी के हाथ भी ना धोते, आज तुम नहाने वाले बन गए, प्रथम नहाते हो, बाहर आओ, हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, और तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो। अब इस बात पर उनका हो गया लठम लठा, जब इनके भगवान ने लड़े, इनमें के देरी थी झगड़ा करण की, फेर लिया मुँह उल्टा नागा, नाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, गंगा भी भूल गए उस टाइम, और वहाँ कहते हैं आपस में इनकी तलवार निकल गई, तीर मारे एक दूसरे को, काटे मुँह से काट खावें, 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कटका मर गए, कतलेआम कर दिया इन्होंने। अब उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, ये जम धड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपना ये ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हमने जान लिया कि ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इन तीनों गुणों की भक्ति करना व्यर्थ है। तो पता कहने लगे कि तुमने इस व्यर्थ का कैसे पता चला, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए बैदा, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस, अपनात्मा। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, और वहां जा तेग चलावे हैं तलवार, वहां चलाते हैं जाकर के, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, इनका दया नाम की चीज नहीं, और ये जग में साधको आवे इन संत के, और जिनको ग्रही करें आदेशा, इनको संत मान के इनकी पूजा करें, प्रणाम करें। कहते इनके तो दर्शन में भी जो है पाप लगे, पापी पर बात ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई धक्कार, जन्म उसकी माँ का। और ये न गुरु बना रही से ईशा ने, ये जो तीनों गुणों के जो इष्ट मान के इनको पूज रहे हैं, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो है मुक्ति। ये बात 600 वर्ष कहा करते परमात्मा पुण्यात्मा, आज जो आपको सुहारी है ये अच्छी लग रही है, रात से 50 साल पहले भी ये बात कह दी जाती, दास का शर फोड़ देते आगड़, और आप गुण गाते हैं, गुण संघर्ष के लिए तैयार हो गए हमारे बच्चे, जा कर घर घर गाँव गाँव में ढंडोरा पीट रहे हैं, कि क्योंकि वो सब आपके अपने बहन भाई हैं, वो सभी दुखी हैं, उनको अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा है नकली संतों ने, और उनको समझा रहे हैं, उनके वो समझ पा रहे हैं, और अब भागे आ रहे हैं, इतनी सर्दी, और आप कहाँ कहाँ से चल कर आए हो, ये रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, उसकी प्रेरणा के बिना आप आदमी ऐसी सर्दी में तो घर बैठे हो ना, पड़ोस में नहीं जाओ दूसरे घर में, ना सोचा सुबह देखेंगे इतनी ठंड गिर रही है, और कई बार तो पेशाब की आदत हो जाना, जब भी नहीं सोचो और देख लो घंटे के पास देखूंगा, और आप वहाँ से चलाए सब कुछ छोड़कर ऐसी सर्दी में, कोई ट्रेनों से कोई बसों से 24-24 घंटे चल करके आप पहुँचे, या मेहर है आपको भगवान की। और ये अमर कथा आपको सुनने को मिल रही, कितने दयालु हैं परमात्मा,
सारे बच्चों को रजाई में बैठा के अरे आपके अंदर जैसे दूध प्या कर बच्चे ने जबरदस्ती इन्हों का ना बेटा ले थोड़ा सा पी ले, ऐसे ही अमृत ज्ञान आपको पिलाया जा रहा है या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का ना ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन केंद्र हमारे को मुसे के सुवारी थोड़ी लाडुआ तो छक रहा बताइए या ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं हम इन के चिपटे रहे सारी उम्र तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी पुण्यात्मा मोतिया बिंद हमारा नाश हो गया ऑपरेशन हो गया और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। धीरे धीरे जाके गांव में गुआंड में सब जगह पुस्तक वितरित करो समझाओ प्यार से चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको आपने उसका बुरा नहीं मानना क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया और आप कहना नहीं ये तो सतगुरुदेव की रजा है अपने ऊपर नहीं ले वह कहते मैं करे सो मारिए तू तू करे सो छूट बे इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊँट बे हूँ करे सो गद्दा हुई मैं करे सो बोक बे और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। तो कहने का भाव ये है कि अपने सिर नहीं ले परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया और आपको मैं फूक भर जाएगी फिर ब्रह्मा विष्णु में ऐसा बड़ा हाल हो जाएगा फिर आपका फिर दूतम दूता हो जाओगे। हमारा कोई ब्योत नहीं हम जीव हैं भगवान गॉड गिवन ज्ञान है और हमें पता लग गया वहाँ गए उसका संदेश एक नौकर बन के एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले ले जा रहे हैं हमारा इतना ही ब्योत है और इतना ही समझा अपने आप को हम जीव हैं अपने आत्मा पहले हम सांग देखने जाया करते सर्दियों में एक जो है ना उसकी खद्दर की चद्दर होती थी और खद्दर का कुर्ता पजामा होता था और जब बैठे रात सर्दियों के दिनों में सांग देखने जाया करते वहाँ सुबह देखे ना वहाँ गधे नहीं बैठे वहाँ बैठा करते जाके अब यानी सारे बैठते थे और सारी रात दांदरे काटे जानते वो अच्छी बूंदी कहें जाते और सुबह उठ कर आ जाते सारी रात जागते वहाँ रेत में बैठते जाकर बड़ा कौन मैट बिछावा था हमने देख रखे और आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा जो देवता तरसे इस सत्संग को आप कितनी पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता जोर ही बताता है। तो ये समय है इस ज्ञान को समझने का घंटा आध घंटा फालतू भी लग जावे तो खुशी मनावे अपने दिल में ऐसे रहस्य आपके समक्ष आ रहे हैं। अब ये गीता ज्ञान दाता 15वें श्लोक तक तो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले बताता है ये मेरी भक्ति नहीं करते ब्रह्म की। अब 16, 17, 18 में तीन श्लोकों में अपने विषय बता रहा है कि मुझ ब्रह्म की भक्ति भी चार प्रकार के करते हैं या तो कोई करता ही नहीं जैसे शुरू में 7वें अध्याय के प्रथम दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरी भक्ति का प्रयत्न हजारों में कोई एक करे है और उन मन से भी कोई एकाद मुझे पहचान पाता है मुझे समझता ढंग से यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। तो यहाँ वही कहता है चार प्रकार के मेरी साधना करते हैं आरथ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी तो उन तीनों को तो रिजेक्ट करता है ये आरथ तो वो है जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से अनुष्ठान करते हैं वो अन्य आरती या किसी कविता का सहारा नहीं लेते ना कोई और मंत्र वेदों के मंत्रों से करते हैं तो वो ब्रह्म उपासक ही कहलाते हैं। इसी प्रकार अर्थार्थी जो धन प्राप्ति के लिए धन घना इकट्ठा बन जाए हमारे इसलिए कोई अनुष्ठान करते हैं वेदों के मंत्रों से ही करते हैं तो वह भी व्यर्थ है क्योंकि वो भगवान प्राप्ति नहीं वो तो अन्य काम लाग रहे हैं। और तीसरा जिज्ञासु जैसे घर से निकला भगवान पाने के लिए आज्ञा ज्ञानी संत टकरा गए उनसे खचड़ा ज्ञान इकट्ठा किया आप वक्ता बन गया वो जिज्ञासु वो भी व्यर्थ बताया नहीं। अब चौथी प्रकार के ज्ञानी हैं ज्ञानी का अर्थ है कि जिसने ये समझ लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना मोक्ष करवाना जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना
और फिर उन्होंने वेदों को पढ़ा, जैसा भी उनकी समझ में आया उन्होंने ये मान लिया कि अन्य देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी भक्ति से ही लाभ होगा, मोक्ष होगा। अब उन्होंने जैसा भी वेदों को समझा उसके आधार से इस ब्रह्म को, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है वायु अनिलम, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है और इसका अंतिम सांस तक जब शरीर छूटे तेरा, यानी शुरू से लेकर अंतिम सांस तक मेरे ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मान के इसका सेवन कर। इस प्रकार सेवन करने से तो जो तुझे ब्रह्म ओम से जो लाभ मिलना है वो अमृत व गति तेरी हो जाएगी। तो इन्होंने ऋषियों ने ये तो मान ले लिया कि ओम नाम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं, ऐसे गीता जी में ऐसा वेदों में केवल एक ओम मंत्र है, और उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, पूर्ण ब्रह्म। इनकी इनका मोतियाबिंद था यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक दो बार कहा है कि उस कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है जन्म लेता है, कोई असंभवात कि वो जन्म नहीं लेता, वो तो निराकार है। इसका ज्ञान भी तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो वो बताते हैं सही सही। और कोई ये कहता है जिसने एक अक्षर ज्ञान हो गया उसको तुम विद्वान बोल देते हो, अविद्या, और जिसको थोड़ी सी विद्या होगी उसको विद्वान कह देते हो, ज्ञान हो गया अक्षर। तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। तो इनकी आंखें बंद होगी, इनका मोतियाबिंद था, उनको उन्होंने ये समझ में आई वो तत्वदर्शी संत तो खोज लो कम से कम, जो वेदों से भी अलग कोई ज्ञान बताएगा वो नहीं समझ में आया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या उसने परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान बोला है उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध कि गीता ज्ञानदाता नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी, उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसको कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब क्या प्रसंग क्या आ गया कि अब वो क्या कहता है कि जो ज्ञानी आत्मा है ये है तो उदार नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए उन्हें समर्पित हो गए सारी, अब घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिया और हजारों वर्षों तक हठ योग भी कर लिया, शरीर की परवाह नहीं की, मरो चाहे जियो, ऐसे ऐसे चमन ऋषि था कहते उसके पूरे सारे शरीर पर दीमक चढ़ गई, आंख आंख दिखे थी, और यानी इस तरह एक चुनक ऋषि थे ऐसे। तो उन्होंने कहते ये हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाणी अनुतम गति में ही आश्रित रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब देखो यहाँ इन्होंने किस तरह नाश करे अनर्थ किए अर्थों के, देखना श्रीमद् भगवद गीता। अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब अध्याय नंबर 7 के हम श्लोक नंबर 16, 17, 18 3 पढ़ेंगे। पुण्यात्माओं धन्य हो तुम्हारा ये वही रतन, अनमोल रतन अपने घर घर रखा था, अपना खजाना हमें पता नहीं था। अब देखिएगा ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी वो तो नीच कर्म करने वाले थे पहले 12 से 15 में, तो अब अच्छे सुकृति ना अच्छे कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भगत जन मुझको बजते हैं। फिर 17 में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में सतीत अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त, अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं
अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखो 18वें में क्या कहा है कि जो चौथे प्रकार के वो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना कर रहे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्तित सही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम। 18वां श्लोक। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, वे सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, यह मेरा मत है। गीता ज्ञान दाता कहता है यह मेरा मत है, और क्योंकि वह युक्त आत्मा यानी भगवान में लीन आत्मा, इसका अर्थ है युक्त आत्मा भगवान में लीन, यह है मत गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम अनुतमाम अनुतमाम यानी कति अति अति उत्तम कर दिया, लिखना था अति अनुतम अश्रेष्ठ घटिया वेरी बैड गति रूप मुझ में ही आस्थित अच्छी प्रकार आस्थित है। इसका अर्थ क्या बनता देखना, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा एव में बतो, मेरे मत के अनुसार यह मेरा मत है कि सभी ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा हैं तो सर्व की सब बड़ी उदार हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं। आस्तित से ही युक्त आत्मा, ये आस्तित माने ये आश्रित हैं, माम एव अनुतमाम गतिम अनुतमाम गतिम मेरी अति घटिया अनुगति में ये मुझ में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई आत्मा ये माम एवं अनुतमाम गतिम, महामा ने मेरी है? ये इन्होंने क्या किया है, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा, ये मेरा मत है क्योंकि वह मन बुद्धि वाला युक्त आत्मा करता था भगवान में लगी हुई आत्मा अति गति स्वरूप अति उत्तम लिख दिया तरह के दिया और मुझ में ही आस्थित हैं। ये कहते हैं अति अनुत्तम गति है मेरी और उसमें ही ये लगे हुए हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा। अब इसका उदाहरण देते हैं आपको, पुनात्मा श्री मद भगवत गीता का ज्ञान ये काल दे रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट कहता है कि मेरा जन्म और मृत्यु होता है, तेरी भी होती है मेरी भी होती है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता नाशवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्वब्रह्म के बारे में कहा कि उसको जानने के बाद और सारे धातुओं से परिचित सब कर्मों से परिचित व्यक्ति की और जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्वब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में पूछा, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो यानी वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16-17 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो शांति सभी इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, सर्वपुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है और परम अक्षर पुरुष ब्रह्म कौन है, शाखा क्या पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने बारे में 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा कि मेरे में मन वाला हो, मेरे में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर। इसे सिद्ध है कि इसमें परम शांति नहीं हो सकती, जहाँ युद्ध का रोल है वहाँ शांति नाम की चीज नहीं, और जहाँ जन्म और मृत्यु है वहाँ शांति नहीं, और फिर वो परम धाम कहाँ हुआ, जा जाने के बाद वापस नहीं आते, तो वो परमात्मा अन्य है।
इसलिए ये कहता है कि मेरी जो गति है वो अनुतम है। सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में मेरे ओम से जो मिलने वाली गति है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म वर्णमाम अनुसमण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में है, या संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम यह एक अक्षर है मेरा सब इनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म वर्ण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुज ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुज ब्रह्म का केवल एक ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीता राम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन देहम जो श्री छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है सयाति परमाम गति, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए ये 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है। हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है। यह देखिएगा पुनरावृत्ति का अर्थ है जिनको प्राप्त होके फिर पीछे संसार में आना पड़े, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया किंतु यह 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का, ये अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत ओम का जाप करने वाला ब्रह्म का साधक है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, वहाँ जाने के बाद भी वापस आते हैं पुनः क्षीण होने पर। यहाँ इन्होंने अनुवाद कर दिया कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अगर ये सच्चा है तो फिर ये क्या होगा, गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 आया है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 है, ये 5 ये यहाँ आ जाता है इसका उत्तर अनुवाद। हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्भर और अलौकिक हैं, दिव्य हैं अलौकिक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में ना था और न ही अथवा तू नहीं था या राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब 10वें अध्याय के 2 श्लोक में देखिएगा, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में ये कहता मेरी उत्पत्ति को है। ये देखिएगा 10वें अध्याय का ये 2 श्लोक, मेरी उत्पत्ति को यह लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, या ये मेरे से जन्मे हैं, इनसे जन्म सबका जन्म मेरे से हुआ है, इसलिए ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। ये कहना 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है इनका। यहाँ ये इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते उनका पुनर्जन्म होता है, कि ब्रह्मलोक पर्यंत गए प्राणी भी वापस आते पुनरावृत्ति में, जो ये नहीं जानते। ये कहना था, ये लिखना था इसका। अब प्रसंग पर हम अपने पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना अपनी भक्ति को अपनी गति को, यानी ओम नाम से होने वाली उसकी जो परम गति है वह भी अनुतम है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की समाप्त होती ना उसकी होती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत् सतीति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम त ब्रह्म का सर्वपुरुष का तत् और सत्य सांकेतिक के कोड वर्ण ही दास जानता, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता इस पृथ्वी पर, या मुझसे प्राप्त होकर कोई अपने आप गुरु बन बैठेगा वो महापराधी है परमात्मा का, और उनको डबोगा जो उससे ऊपर उपदेश प्राप्त लेंगे, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है।
तो यहां उस परमात्मा के पाने की 3 मंत्र की मजदूरी है और उससे वो भगवान प्राप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको पहचानने जानने के बाद ये संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। वो उस परम पद को पाने की चेष्टा करता, 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है, जहाँ जाने के बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और ये खुद भी कहता है केवल उसी की भक्ति करो, नथिंग एल्स, मैं उसी की शरण में, उसी की भक्ति करो, उस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में ये कहता है, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, यह शांति नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि यदि तुझे परम शांति को प्राप्त करना है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। तो इन गीता जी अध्याय नंबर सात के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, अच्छी आत्मा है, परमात्मा के लिए उन्होंने जीवन नौछावर कर दिया, लेकिन ये युक्त आत्मा आस्तित माम एवं अनुतमाम गति, ये मेरे वाली अनुतम गति में ही घटिया साधना में ही आस्थित रहे। और फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञानवान ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करते ना तो इन और ही पूजाओं में लगे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सु दुर्लभ है, आज दिन के सत्संग में भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था, परमात्मा पुण्यात्मा हो ये तो रह रह कर रट्टा लगाना पड़ेगा हजारों बार, आपने जब सेट होगा, हमने इस अज्ञान को सुनते हजारों वर्ष लाखों वर्ष बीत गए और जब से जन्म हुआ था वो घिसी पिटी बातें हम सुनते आ रहे थे, हमारा पक्की जचगी थी ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है। अब बार बार इसको सुनेंगे सच्चाई को तो फिर हमारे हृदय में सत्य जच जाएगी कि सचमुच भगवान तो यो है, ये है। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानी ज्ञानवान माम परपते, बहुत बहुत जन्मों को किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ना तो और असाधना में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। फिर उसकी दूसरी पंक्ति में 19वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा कि वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला वासुदेव माने कुल मालिक, सबके ऊपर जिसके जिसके अधिकार है, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है। वासुदेव माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो, तो जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं, श्री विष्णु जी वासुदेव नहीं, वासुदेव माने सबके ऊपर जिस भगवान की कंट्रोल हो, सबका मालिक हो, ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी केवल एक इसमें ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, ये कंप्लीट गॉड नहीं, वासुदेव नहीं है, इनका पिता केवल एक ब्रह्मांड में और 21 ब्रह्मांडों में ऐसे ही एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा, ये 3 पुरुष बताए, अक्षर पुरुष सर पुरुष और उनसे नारा 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम ये अक्षर पुरुष 7 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है और ओवरऑल कंट्रोलर नहीं है, सबके ऊपर ये वासुदेव नहीं है। और परम अक्षर ब्रह्म ये है वो वासुदेव, ये वो कंप्लीट गॉड कबीर देव, यही पाप नाशक है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसका स्थान जो सतलोक है वो शाश्वत स्थान है। कहते हैं ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वम, वो सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ, वो संत वो महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब गीता ज्ञानदाता अपनी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को ओम से मिलने वाली परम गति भी व्यर्थ बताई, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जिसमें कहता है कि मेरी ओम नाम है और उससे जो परम गति होती है, और मेरी परम गति है जो उससे गति होती है, जो उससे लाभ होता है, इसलिए बताया कि एक चुनक नाम के ऋषि थे, हजारों वर्षों तक उन्होंने ओम नाम का जाप किया और साथ में ब्रह्मा जी से प्राप्त इस लोक वेद काल द्वारा दिया हुआ यह हठ योग, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे आकाशवाणी कर दी काल ने ब्रह्म ने कि तप करो तप करो,
इसने हजार वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो, इसमें सिद्धियां प्राप्त कर ली, रिमोट अपने हाथ में सारा कुछ हमारे से ऐसे कराता है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान की आकाशवाणी तप करना, बाद में वेद मिले उसको, वेदों में केवल ओम नाम एक अकेला, वेदों से तो ओम नाम ले लिया, आकाशवाणी हठ योग काल का ले लिया, दोनों की खिचड़ी बनाकर साधना करने लग गए। जबकि गीता जी दैन 17 के 5 और 6 श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना हठ करते हैं, साधना करते हैं, ये दुष्ट व्यक्ति हैं और ये मुझे भी क्रश करते हैं, इनको घोर नरक में ठोकूंगा। किसी भी संत ने देख लो जिन्होंने भगवान मिला, किसी ने हठ योग नहीं किया। गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे, हल जोतते थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी बाल बच्चेदार थे, खेती करते थे, बाद में पहले नौकरी करते थे। किसी भी संत को देख लो, बात ये नहीं है कि ब्याह करवा कर नहीं, दादू साहब थे उन्हें शादी नहीं करवाई, लेकिन वो कर्म योगी थे और हठ योग नहीं करते थे, अपना सिंपल साधना करते थे। तो ऐसे ही कहने का भाव ये है कि जो साधना है वो बिल्कुल सही है जिन संतों ने की, वो ये हठ योग नहीं है उसमें। तो इन ऋषियों ने वो खिचड़ी ज्ञान से ओम का जाप किया और हठ योग किया, हजारों वर्षों तक साधना की, उसे सिद्धियाँ आ गई। रिमोट काल के हाथ में एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक, सार्वभौम शासक था। उसके मन में यह आया कि कोई किसी छोटे राजाओं ने तेरे अधीन है, उन्होंने किसी ने तेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी, इसके लिए एक घोड़ा, अपना घोड़ा पर्सनल, उसके गले में एक पंपलेट टांग दिया कि जिसने मेरी पराधीनता स्वीकार ना हो, जिस राजा ने, इस घोड़े को पकड़ दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मानधाता के पास 72 करोड़ सेना है, उस पर वो भी लिख दिया कोई ब्रह्म ना पड़ जा। पीछे सैकड़ों की संख्या में सैनिक चल पड़े घोड़ों पर, अन्य घोड़ों पर, उस घोड़े पर कोई नहीं, सब जगह घूमे पूरी पृथ्वी पर। वापस आए उस चुनक ऋषि की कुटिया के पास से रास्ता था, वहां पर आ रहे थे वापस। ऋषि ने पूछा भी कौन हो, कहाँ से आए हो, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। तुम कहाँ गए थे भाई? चुनक ऋषि ने पूछा। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। अब कार ने उसका रिमोट ऑन कर दिया, उसकी नाशकरण खातिर है भक्ति का। कहने लगे भी सारी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने राजा का युद्ध नहीं उठा, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, जबाड़ा फोड़ दें, है किसी की बाजुओं में ताकत, किसी के नहीं मिला, हम सब जगह घूम आए। अब काल प्रेरणा से उस चुगन चुनक ऋषि के मन में उस काल ने रिमोट से कर दिया कि इसको अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि ने कहा कि मैंने पकड़ दिया भाई घोड़ा और युद्ध उठ गया तुम्हारे राजा का, इस घोड़े को बांध दो इस वृक्ष के, मेरी झोंपड़ी वाले वृक्ष के बांध दो। सैनिक कहने लगे रे कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, और तू युद्ध उठ लिया तेने उस मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों सामत आई है, अपनी रटले माला बोल वाला, चुपचाप कर ले काम जो तेरा है, क्यों मरे तू हमारे हाथों से? अब चुनक ऋषि ने कहा कि जा कह दो तुम्हारे राजा ने मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है, तो ऐसा ही सही तुम्हारे हाथे मर जाऊंगा, यो घोड़ा युद्ध मैंने उठ लिया। अब सैनिकों ने बता दिया तो आपका घोड़ा बांध लिया। राजा ने सोचा कि आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल दूसरा ना सिर उठाएगा, एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी, लापड़ा पूरा कि सबके दिल दहल जाएं, कोई और भी ना हिम्मत करे, ये राजनीति होती है। उधर से उस चुनक ऋषि ने जो सारे जीवन मंडले ढोए थे, वह काल की पूजा करी थी, ब्रह्म का जाप है उसे सिद्धियाँ आ गई, हठ योग से सिद्धियाँ आ गई, जोम के जाप से भी सिद्धियाँ आ जाती हैं। उसने अपनी सिद्धियों का एक एटम बम बना दिए, चार पुतली तैयार कर दी राजा की, 18 करोड़ उसने 4 टुकड़ी बना ली, राजा ने भी अपनी सेना की 18 करोड़ सेना पहली बार भेज दी, तो एक पुतली छोड़ दी उसने, सबको कतलेआम कर डाला, 18 करोड़ सेना मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी ऋषि ने, दूसरी पुतली छोड़ दी, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। पुण्यात्माओं, अब परमेश्वर कबीर साहब बताते हैं, 72 अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। ओए, ओए, ओए।
हे भगवान कितनी प्यारी वाणी कही, एक ही अमृतवाणी के श्लोक में दोहे में कह दिया कि 72 करोड़ सेना अक्षय करी, अक्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का, और चुनक ऋषिश्वर एक, उसको ऋषिश्वर कहा करते, ऋषियों में श्रेष्ठ सर्व प्रधान, यानी उस इस काल के पुजारियों के सबसे श्रेष्ठ के ये लक्षण हैं, और दे धारे या मौत फेरे, ये सभी काल के भेख है, ये काल के ब्रह्म तक के पुजारी कहते हैं, ये दे धारे जिंदी मौत अंड है मानस के आदमी व्यक्ति के रूप में, ये ऋषि को हमारे ये एटम बम बड़े फिरे सारे, अब वहाँ हर की पैड़ी बजा कर सत्यानाश कर दिया, वह 32,000 मर गए लड़के, ये दे धारे कहते जोरा मौत फेरा, ये एक दूसरे ने काट खावें, अब चाहे तो पुण्यात्मा हथियार से मार दे, और चाहे अपनी वचन शक्ति से मार दे, जिसके पास जैसी भी साधना सीखती जंती जंतर मंत्र है वो उसका हथियार है, और उसका पाप भी उसको प्राप्त होगा। अब चुनक ऋषि ने 72 करोड़ प्राणियों की का नाश कर दिया, अब देख काल के जाल समझ में कैसे आवे, जब तक इसके पुण्य रहेंगे, पुण्य और पाप अलग अलग डिपॉजिट होते हैं प्राणी के, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जब तक मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परम पिता परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझ, वो बताओगे सारी ज्ञान, तो कहते हैं मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, और जो व्यक्ति उस तत्वर्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, और सभी आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो यहाँ वो कर्म बताए जाते हैं, यहाँ क्या है कि काल के लोक में दोनों ही पुण्य और पाप दोनों मिलेंगे आपको, अलग अलग आपके जमा हो जाते हैं। अब देखो कैसा खेल है, हजारों वर्षों तक उसने ओम नाम का जाप किया, तपस्या की, उस तप से तो उसका तप से बन गया तप, उसको राज मिलेगा, इंद्र बन जाएगा, पूरी पृथ्वी का कभी राजा बन जाएगा, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाएगा, वह हजारों युगों तक तो ब्रह्मलोक में यू ठाठ करेगा, अपनी पूंजी से वहाँ मौज करेगा, इस पुनों से ओम नाम के जाप की कमाई से, और फिर उसको वहाँ बर्बाद करके ये फिर यहीं गदा बने, फिर नरक में जाएगा, नरक में भोगेगा अपने पाप कर्मों को, फिर शेष गणे बच जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक पर आओगा, यहाँ आकर कुत्ता बनेगा यू, जब सौर पल इसकी सारी निचड़ जाएगा, सारी इसकी खत्म हो जाएगी ऊपर कमाई, और फिर इसको पृथ्वी पर पटकेगा, कुत्ता बनेगा ये, और कुत्ते सिर में इसके कीड़े पड़ेंगे, ये 72 करोड़ सोना सेना जो मारी है ये इसका अपना बदला लेंगे, इसके कोई इसको पट्टी करने वाला नहीं मिलेगा, ऐसा जुल्म है कर रखा है इस काल ने, हमें ऐसा अंधा बना रखा है। अब परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरें, ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के काल तक के पुजारी, ये भी ऐसे सत्यानाशी हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ओम से मिलने वाली जो परम गति वो भी अनुतम है, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं गई, कर्म दंड भोगना ही पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। पुणात्माओं सतगुरु में लय तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान, चार मुक्ति झा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।